फसलों की आवाज से लेकर खून से लेकर ऐसे तमाम चीजों में अपना जीवन लगा दिया। आज जरूरत है आप लोग को सोचने की कि आपको मानवाधिकार सोच के व्यक्ति चाहिए जी भैया, कि हिंदुत्व वाला व्यक्ति चाहिए। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जो पटरी व्यवसाय के लिए लगातार लड़ रहे हैं, साथ ही साथ लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति को चुने जिसके पास जाने से आपको कभी छोटा महसूस ना हो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे मनीष सिंह जी जो कि नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने विचार रखे। मनीष सिंह जी कुछ लिख चिपकाना चाहिए, उसी को इसमें चिपकाना चाहिए। नुक्कड़ सभा एकदम मुहाने पे आए। सभी सम्मानित जनता को, नागरिक को, बहन भाई को, अभिभावक को स्वागत करते हुए लोकसभा चुनाव चिन्ह के अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ने का पर्पस खाली यही है कि मिर्जापुर की दुर्व्यवस्था, जिस तरीके से मिर्जापुर में दुर्व्यवस्था, चोर चोर नौ सारे भाई बन गए, पूरे मिर्जापुर को जो चौपतियों का शहर था, बेरोजगारों का शहर, कंगाओं का शहर, पिछड़ों का शहर, किसानों का शहर, अच्छी हजूर करने वालों का शहर बन गया। हेलो एक आदमी किसी का न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम चुनौत लग रहे हैं, तमाम कार्य अधिकारी सुन रहे हैं, लेकिन गरीब का कोई न्याय नहीं मिल रहा। गरीब के जो परेशानी हो रही है उनको महंगाई से, ठेला वाले को उनको दुकान लगाने के पहले जोर से, गाड़ी वालों को यातायात से, छुट्टा पशु से, जिस तरीके से छुट्टा पशु से लोगों के जान माल का खतरा बना हुआ है, यही नगर पालिका सफाई कर्मियों के साथ। मनीष जी, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको चुनाव निशान भी मिल चुका है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं नगर पालिका में आपके? यही हमारा मुद्दा है कि हमारा निशान हल है और यहाँ की जो समस्या का उसका हल इसको जोतना है, और इसको जोत के मिर्जापुर को फिर से मिर्जापुर जो समृद्ध 70 साल पहले वाला मिर्जापुर था, मजबूत मिर्जापुर था, उद्योगपतियों का मिर्जापुर था, यहाँ पे विद्वानों का मिर्जापुर था, वही मिर्जापुर वापस बनाने के लिए हम, यही मेन मुद्दा है, प्रदूषण मुक्त, यहाँ पे भाईचारा युक्त। यहाँ पर मिर्जापुर में हथकरघा पीतल जैसे तमाम उद्योग धंधे थे जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम उनको सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर पीतल उद्योग है या जो हथकरघा है, इसकी जो गुंडागर्दी है, जो इसका वसूली है, वो उसको बंद कराने का कारण है। अगर जो पैसा नहीं दे रहा है उसको प्रदूषण विभाग के नाम से उसको परेशान किया जा रहा है, तो हमको आश्वस्त करना चाहते कि अगर हमको मौका देंगे तो जिस तरीके से हाई कोर्ट के वहाँ पे आदेश हुआ था उस पर हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाके कानून बनाने के बाद मुकेरी बाजार का दुकान लगवाए, और उसी तरह जब तक वैनिक जो नहीं बनेगा वो है, तो इस तरीके से आपका जितना भी व्यापार का जो पीतल उद्योग से संबंधित प्रदूषण से संबंधित दिक्कत है वो जब तक आपको व्यवस्था नहीं दे देंगे तब तक आपका व्यापार चलेगा, उसकी हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। वर्तमान समय में मनीष जी पूरे मिर्जापुर को खोद के रखा गया है, कहीं पर भी रोड चलने लायक नहीं बची है, लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से लगातार ये खुदाई जारी है लेकिन बन ही नहीं पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा तो आप एकदम क्लियर हो गया, जिस तरीके से सफाई कर्मी अपने टायर में रस्सी बांध के खींच रहा है, बैठने का सीट नहीं है, चैन नहीं है, और वहाँ पे करोड़ों की गाड़ी भ्रष्टाचार के खाली वहाँ खड़ी है, सड़ रही है नगर पालिका में। साथ ही साथ अब ये जो खोद के रखे, ये केवल और केवल कमीशनबाजी के चक्कर में लोगों ने रातों रात टेंडर दे दिया कि अब समय मेरा कार्यकाल खत्म होना है, जनता मरे या जिए, अब हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जितना कमीशन उठाना उठा लो, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। कोई प्लान पूरे भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा विकास हो रहा है। पहले नगर पालिका की गाड़ियां जो है नगर पालिका में खड़ी रहती थी, लेकिन आपके इंटरव्यू के बाद वो गाड़ियां अब रन कर रही हैं, तो क्या किसी की आवाज उठाने के बाद ही क्या नगर पालिका का एक्टिव होगा क्या? ये तो यहाँ के जनता को सोचना होगा कि पार्टी वाले तो केवल उनको भ्रष्टाचार और पार्टी का विरोध में लगे हैं। मिर्जापुर ट्राई माम कर रही है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, कमर्शियल टैक्स बढ़ने जा रहा है, वो जो चीज हो रहा है वो क्या आवाज उठाने के बाद ही होना चाहिए कि योग्य चेयरमैन होना चाहिए,
जो आपकी बात खुद कर ले कि आपको बोलना न पड़े।